असरवा विधानसभा में ही है। यहाँ पर कुछ खास चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे आप लोग दिल्ली वगैरह में देखते होंगे, दिल्ली या महाराष्ट्र जहाँ से हम अक्सर आपको चीज़ें दिखाते हैं, वहाँ पर एक चीज़ आपने देखी होगी कि मांस मछली की दुकान पर पुरुष अधिकतर बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर खास चीज़ें हैं कि यहाँ पर महिलाएं चिकन की और मांसाहार की दुकान पर हैं, वो कटाई मांस बेच भी रही हैं, काट भी रही हैं और व्यापार भी कर रही हैं। तो ये एक अपने आप में निराली चीज़ है असरवा की और गुजरात की। कुछ महिला दुकानदारों से ही बात करते हैं। एक तो कब से बेच रही हैं आप ये मटन? हमको 25-30 साल हो गया, 30 साल ऊपर हो गया, 30 साल हो गया। अच्छा, ताकि ये बताओ कि दिल्ली वगैरह में पुरुष बेचते हैं, मर्द बेचते हैं, यहाँ पर आप लोग बेच रहे हैं, क्यों? हम क्यों कब बेचते हैं कि हमारा आदमी को कोई नौकरी धंधा नहीं है, हम स्त्री एक काम तो शराब पी लेते हो? हाँ, दारू पी जाते हैं और धंधा करके अच्छा नहीं देते, इसलिए अच्छा करते हैं, स्त्री जात करते हैं, ये कारण है। शराब मतलब वो लोग सुबह पी लेते हैं और ये मजबूरी में आप लोगों को करना पड़ता है। मजबूरी के हिसाब से हमको स्त्री को ऐसा धंधा करना पड़ता है, बीजी कोई नौकरी धंधा नहीं है हमारे पास और हम गरीब इंसान है, क्या करें, ये लारी लगा के हम चला धंधा करते हैं। तो ये मटन वगैरह कहाँ से लेके आते हैं और ये महंगा हुआ है पीछे से? हाँ, हमारा इंसान अल्लाह वाले दुकान से हम खरीद लाते हैं और खरीद ला के हम इंसान काटते और जाते बेचते हैं। हाँ, खुद ही काटते हैं, खुद ही बेचते हैं। जब पूरा बकरी लेके आते हैं तो उसको काटते भी महिलाएं ही हैं या पुरुष काटते हैं? साफ साफ कौन काटे? पुरुष भी काटे, महिला भी काटे। हाँ, कोई भी इंसान आ जाए, वो घर का इंसान हो, वो काट देते हैं। लेकिन शराब की वजह से महिलाओं को मजबूरन यहाँ पर काम करना पड़ता है। महिला पुरुष दारू पीवे तो पुरुष धंधा ऐसा थोड़ा कर सके, इसलिए स्त्री को करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात यहाँ से निकल कर आई है कि पुरुष शराब पी लेते हैं तो महिलाओं को इस वजह से धंधा करना पड़ता है। बेटा, बात करेंगे आप, और क्या आप ये पंजा वगैरह कहाँ से लेके आते हैं और क्या भाव में बेच रहे हैं और आप कब से व्यापार कर रहे हैं? मिर्जापुर से लाते हैं। तो इसका मतलब कब से आप दुकान लगा रहे हो? हमें अंदर कितने साल हो गए दुकान लगा? हमके 15-20 वर्ष। आप ही लगा रही हो 15? हाँ, मैं भी लगा रही हूँ। तो आपके हस्बैंड, शादी हो गई है? नहीं। शादी नहीं हुई है, माफ कीजिएगा। हाँ, शादी तो लड़का ढूंढो इनके लिए। तो भाई वगैरह क्यों नहीं बैठते यहाँ पे या घर के पुरुष? नहीं करते, करते नहीं है भाई, करते नहीं है। तो क्या करते हैं वो लोग? रखते हैं, रखरपट्टी करते हैं। पापा नहीं है। अच्छा, मस्ती माहौल करते हैं, व्यापार नहीं करते? नहीं करते। ये एक देखिए, ये महिलाओं को यूं ही नहीं शक्ति का रूप कहा जाता कि कारण है उसका, खुशी राजी ये लोग व्यापार नहीं करते, पुरुष व्यापार नहीं करते हैं शराब पीने की वजह से, इस वजह से ये लोग व्यापार करते हैं। आप कब से काकी दुकान लगा रहे हो? कब से लगाई छे दुकान? खबर नहीं मालूम नहीं है। 30 वर्ष। हिंदी आती है आपको बोलनी? आप पीछे से ट्रांसलेट। हाँ, हिंदी नहीं आती, चलो कोई बात नहीं, कुछ लोगों को हिंदी नहीं आती है, उनको छोड़ देंगे। और कुछ लोग हैं। काकी कब से लगा रहे हो? आपसे नहीं बात करी। कहाँ कब से लगा रहे हो? अबे 20 वर्ष से धंधो करिए। 20 साल। हिंदी आती है आपको? धंधो करिए। हाँ, 9:15 बजे अबे सात जा। हिंदी आती है? हिंदी नहीं आती। आप कौन है इनके? ये मेरी मम्मी है। मम्मी है तो इनको क्यों बिठा रखा है धंधे? ये बिठा नहीं रखे, खाली शौक से बेचते हैं, खाली बाल बचाने के लिए तो धंधा करता। तो कुछ खावा तो जाइए ना, छोकरा पेट पर बिजरा, धंधा नहीं आता हमें। छोकरे को धंधा नहीं आता? नहीं, हमें सतानती धंधा करना सीख लो। धंधा करिए तो अभी छोकरा ने रोटी करना खबरा है ना, बीमारी थी जाए, आदमी से दारू पीवे, रिक्शा चले, कोई पैसा अपने औरत से तो हमें धंधो करिए। ठीक, ये वही विषय है। हाँ बेटा, क्या बोलना आपको? सब बच्चे हैं। देखिए, ये सीधा सीधा बुजुर्ग महिला थी और देखिए परिस्थिति समझिए, और शराब समाज को कितना गर्त में ले जाती है, इस बात का यहाँ पर सीधा नज़ारा है कि शराब कैसे परिवारों को बर्बाद कर देती है। एक मछली काट रही है, इन्हें काट लेने देते हैं, उनके बाद इनसे बात करते हैं। तब
हाँ, कब से बेच रहे हो आप मछली? हम दो साल से बेचते हैं। मेरा घर वाला बहुत दारू पीता है, क्या करे, ऐसे मजदूरी करके घर चलाते हैं, बच्चे को सब ऐसे। दो साल से बेच रहे हो तो मछली मतलब पकड़ के कहाँ, थोक मार्केट? अपने तीन दरवाजे से लाते हैं। तीन दरवाजे से और बेचते हैं यहाँ पर, लाके 10-10 किलो लाके दो आइटम बेचते हैं और घर का गुजरन पूरा करते हैं। क्या भाव चल रही है? 80 रुपये, 60 रुपये ऐसा। कितनी दिहाड़ी हो जाती है दिन की? नहीं, अभी 10 किलो बीचता है बस। तो महाराज जी क्यों नहीं आते शराब पी के? बहुत शराब पी दे, क्या करने का बोलो। तो उनका भी खर्चा आप चलाते और अपना परिवार? हाँ, बस। देखिए ये बहुत चीजें दयनीय परिस्थिति में है, दयनीय भी है और निंदनीय भी है। निंदा भी जितनी की जाए उतनी कम है। तो ये तमाम चीज़ें आज हमने आपको यहाँ से माहौल दिखाया कि किस तरीके से महिलाओं को यूं ही, देखिए नारी शक्ति नहीं कहा जाता है, परिवार भी चला रही हैं, व्यापार भी कर रही हैं। और यहाँ पर व्यापार करने की महिलाओं की मजबूरी है क्योंकि जो घर के पुरुष है, पुरुष प्रधान जो समाज है, पुरुष महिलाओं पे हुक्म चलाना जानता है। अगर महिला ने किसी से बात कर ली या महिलाएं कहीं चली गई तो पुरुष वहां पर हुक्म चलाना जानता है। महिलाओं के पैसों से शराब पीना जानता है कि महिलाओं के पैसों से शराब पी ली जाए और महिलाओं को यहां पर लाकर बाज़ार में व्यापार करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। ये एक पुरुष प्रधान समाज की एक काली सच्चाई भी है कि पुरुष को महिलाओं का पैसा पसंद है लेकिन महिलाओं का घूमना फिरना और हंसना ज़्यादा पसंद नहीं है। पुरुष समाज, अभी पीछे हम देख रहे थे कि काकी ने किस परिस्थिति में बताया, और बच्चा बेटा बगल में खड़ा, एक अधेड़ उम्र का बेटा जिसको एक माँ 9 महीने कोख में पालती है, 5 साल गोद में रखती है, और वो बूढ़ी माँ से व्यापार करा रहा है, और वो भी व्यापार कैसा, मछली मांस काटने का। तो ये परिस्थितियाँ देखिए पुरुष प्रधान समाज की एक काली सच्चाई असरवा में भी देखने को मिली कि महिलाएं खुशी राजी से, कोई ट्रेडिशन नहीं है, महिलाएं खुशी राजी से व्यापार नहीं कर रही, मजबूरी में व्यापार कर रही। और कारण क्या है कि यहाँ का पुरुष समाज शराब पीकर घर में महिलाओं के पैसे से सोया रहता है, तफरी करता है या धमाल करता है। तो सरकार को, बीजेपी सरकार को या जो भी राजनीतिक पार्टियां जो गुजरात को विकास की दौड़ में आगे ले जाने का दावा करती है, कई लोग आपको दिख भी जाएंगे कि पिए हुए हैं, और आपको जब इस रिपोर्ट को देखेंगे तो विजुअल्स में भी आपको दिख जाएगा। तो जो सरकारें या राजनीतिक पार्टियां आर्थिक विकास का दावा करती है तो विकास सिर्फ आर्थिक नहीं होता, सामाजिक भी होता है, मानसिक भी होता है, और सबसे ज़रूरी है संतुलित विकास होना समाज के भीतर बहुत ज़रूरी है। आर्थिक समाज नहीं, सामाजिक और मानसिक समाज दोनों, और समाज के अंदर महिला और पुरुष के बीच में एक संतुलन होना बहुत आवश्यक है। और महिलाओं को मजबूरी में नहीं, देश के प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं कि महिला सशक्त हो, व्यापार करे, बिजनेस करे, रोजगार करे, आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में नहीं, खुशी से। महिलाएं जब रोजगार करती है, व्यापार करती है, तो वाकई घर में लक्ष्मी का वास होता है। जब लेकिन महिलाएं इस डर से कि शाम को बच्चों को खिलाना है, उनका पेट भरना है और रोटी देनी है, तो जब व्यापार होता है तो सिर्फ उससे लक्ष्मी का वास नहीं, 2 टाइम की रोटी जुटती है। क्योंकि महिला को पता है कि शाम को जब घर जाएंगे तो बच्चे पूछेंगे कि आज दिन भर का रोजगार और उनके लिए माँ क्या दाना लेकर आई है। तो ये असरवा विधानसभा की एक और मुद्दा और एक और सच्चाई आपके सामने।